which cannot be like this. It's not a British village. And he is not a criminal. So in that way, they started killing him and also beat him. Punch. He was sleeping, so he was in night trees. He was bare feet, and there was the garment on his arm. कि दो तीन लोग हैं तो मैंने बोला घर आ जाओ तो अंदर बैठ के आराम से बात करो. मुझे नहीं, I didn't know that. No, 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 no. हाँ जी, आप जो तो आप तो मुझे जानते हैं. We have met in Agartala. Last night you had also lot of problems. मतलब I empathize with him कि मैं आपके साथ नहीं हूँ. मैं मुझे तो I was not aware कि जैसे एक बार I think आपने PhD में DG सर्जरी में तो मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन आया मैंने थोड़ा पता किया. तो आई एम ट्राइंग टू गेट इट इनक्वायर. मैंने बोला नहीं ऐसा एक ये प्राइमा पे से ये मिला है कि वहाँ पे जब उसी गया था देवानंद रिया गए थे तो वहाँ पे जो पब्लिक थे पब्लिक ने बोला है कि उस घर का जो थे तो उस घर वाले ने हमारे भाई के ऊपर अटैक किया अपेरेंटली. तो उसने तो कंप्लेन जो वहाँ पे 25-30 महिला थे तो बोला है कि नहीं उस घर वालों ने अटैक किया. आई थिंक जो प्राइमा फेसी अभी जो मिल रहा है इसीलिए उसको उसको और उसका भाई को शायद आपका भाई के दिया आपका भाई जो जो मारा है ऐसा करके शायद आप दोनों के पका उसको उठाने के लिए कुछ हुआ था. एनी हाउ ये प्राइमा फेसी दैट वाज अ वर्बल कंप्लेंट. नहीं वो लोग रिटर्न भी दिया है अभी दिया है रिटर्न भी दिया है. दे हैव ऑलरेडी हिज ब्रदर भगवतोष ब्रदर नहीं पब्लिक ने बोला है कि एक महिला थी वहां पे एक महिला बोला मेरे भाई को इस घर वालों ने तो डाव से काट दिया. That is what she said. जब उसको लगा है कि भाई डाव से काट दिया तो ये तो ग्रीवस है तो हो सकता है उसका इश्यू इसीलिए उनके पास जाके कि भाई बोला है कि भाई आप दोनों आ जाओ. आई थिंक आपका भाई तो नहीं था घर आपका भाई नहीं सुनिए भाई विशालगढ़ प्रेस क्लाबर सभापति भगवतोष बाबू तो उनार बाड़ीते कालके राते पुलिस गिये उनाके बिना वारेंट छाड़ा सार्च वारेंट छाड़ा उनाके तुले एनेछे. তো উনি একজন ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন তো উনি বলেছেন যে উনাকে যখন পুলিশ বলেছে যে থানায় যেতে হবে উনি বললেন কোনো অসুবিধা নেই আমি যাচ্ছি কিন্তু আমাকে একটু আমার পোশাকটা পরতে দিন কারণ ও ঘুমিয়েছিল. তো ওরা এই সময়টুকুও দেয়নি ট্রেনে হিঁচড়ে ওকে নিয়ে গেছে. তো খালি পায়ে ছিল খালি গায়ে ছিল এইরকম এবং যাবার পথে ওকে মারধর করেছে সাংঘাতিকভাবে মারধর করেছে. এটার মানে পরে এটা হাসপাতালেও দেখানো হয়েছে. তো আমরা এর প্রতিবাদ করতে যে ওসি দেবেন্দ্র রিয়াং উনি এই কাজটা করেছেন তো এর প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে এই আমরা এসেছিলাম. আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং ঘটনাটা ওনাকে বিস্তারিত জানিয়েছি. এছাড়া এর আগে এখানে আসার আগে আমরা ডিএম এর সঙ্গে মিট করেছিলাম রাঠোর সাহেব তো উনিও ক্ষমা চেয়েছেন. তো উনি বললেন যে এটা কেন জার্নালিস্টের সঙ্গে কেন মানে কোনো মানুষের সঙ্গে এইরকম হওয়া উচিত না. এসপিও একই কথা বলেছে. তো আমরা আশা করি আমরা ন্যায় বিচার পাবো.